Hello friends, today my topic of discussion is very interesting and very important also for your understanding. So students, today in this video lecture I am going to tell you about phagocytosis. So phagocytosis basically means cell eating. Aap phagocytosis ko aisa samajh sakte hain students, jab bhi cell eating process ko karega. Phago means eating ho gaya. और साइटोसिस ये वर्ड जो है सेल से रिलेटेड है, तो सेल ईटिंग को हम लोग बेसिकली फैगोसाइटोसिस बोल देते हैं. तो आप ऐसा कह सकते हैं प्रॉपर डेफिनेशन में स्टूडेंट्स कि इट इज द एबिलिटी ऑफ सेल्स, ये सेल की वो एबिलिटी एबिलिटी ऑफ सेल, सेल्स कहेंगे तो अच्छा होगा, टू इनगल्फ द पार्टिकल, टू इनगल्फ द फॉरेन पार्टिकल्स, टू इनगल्फ द फॉरेन पार्टिकल्स comma germs and bacteria, to engulf the foreign particles comma germs. क्या होता है कि जितने भी cells हैं वो foreign particles को या germs को या bacteria को and bacteria को engulf कर लेते हैं. This is the ability of cell to engulf the foreign particle, germs and bacteria. And अगर हम basically students बात करें तो WBC को हम कह सकते हैं कि WBC are phagocytic in function. WBC कैसे हैं? फैगोसाइटिक है इन फंक्शन. दीज आर फैगोसाइटिक इन फंक्शन. और टर्म एक स्टूडेंट्स फैगोसाइटोसिस से मिलता जुलता ही टर्म आप कई बार कंफ्यूज भी हो जाते होंगे, डाइपेडेसिस. ये डाइपेडेसिस स्टूडेंट्स होता है एक्चुअली में फैगोसाइटोसिस का ये एक पार्ट है डाइपेडेसिस, ठीक है. और डायपेडेसिस की अगर हम लोग बात करें तो डायपेडेसिस इट इज द एबिलिटी ऑफ डब्ल्यू बी सी टू पास थ्रू द इंटैक्ट ब्लड वेसल वॉल्स. या आप कह सकते हैं जो डब्ल्यू बी सी एक्चुअली में क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो फैगोसाइटोसिस सेल ईटिंग की प्रोसेस को करने के लिए डब्ल्यू बी सी को ब्लड वेसल से बाहर आना पड़ता है. तो जो डब्ल्यू बी सी की स्क्वीज आउट होते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं डब्ल्यू बी सी दे कैन स्क्वीज आउट, they can squeeze out of thin single layered wall of capillaries, squeeze out of thin single layered wall of capillaries. और इस डायपेडेसिस की इस एबिलिटी की वजह से डब्ल्यू बी सी स्क्वीज आउट होंगे कैपिलरी वॉल्स के बाहर जहां पे इंजरी हो, एट द प्लेस ऑफ इंजरी स्टूडेंट्स, एंड दे विल डिस्ट्रॉय द जर्म्स बाय द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस. तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जो डायपेडेसिस है वो डब्ल्यू बी सी की एक एबिलिटी है कि वो बाहर आए ब्लड वेसल से, इंटैक्ट ब्लड वेसल से, ताकि वो सेल को जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनकी ईटिंग कर पाए. तो स्टूडेंट्स ये फैगोसाइटोसिस का जो वीडियो लेक्चर है सिर्फ क्लास 10th लेवल के स्टूडेंट्स के लिए है. अगर हम हायर स्टडीज की बात करें या हायर एजुकेशन की बात करें तो फैगोसाइटोसिस का मैं एक सेपरेट वीडियो डालूंगी जो कि यूजफुल होगा CSIR नेट GRF के स्टूडेंट्स के लिए. बाकी वो वीडियो BSc और MSc स्टूडेंट्स के लिए भी यूजफुल होगा. तो वो वीडियो, वो सीरीज मैं अलग से पूरी प्रिपेयर करूंगी. सो स्टे ट्यून्ड टू माई चैनल. सो थैंक यू.